गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग से वीनिंग के बारे में कि मैंने आलिवीन का दूध कैसे छुड़वाया था। प्लीज़ नोट, मैं इस वीडियो में अपने फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रही हूँ जो फिलहाल 4 एंड हाफ ईयर्स का है एंड मैंने उसको दूध छुड़वाया था जब वो 2 साल 8 महीने का था। मैं अपने बेबी की बात नहीं कर रही जो अभी 10 महीने की है। अभी उसकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कंटिन्यूड है टिल शी इज 2 एंड मे बी बियॉन्ड, लेट्स सी क्या होता है। बट एनीवेज, आज मैं अपने पहले बेबी के बारे में बात कर रही हूँ कि 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स मैंने उसका दूध कैसे छुड़वाया था एंड कैसे बड़ा नॉर्मली नेचुरली बहुत कम रोके ये मैंने प्रोसेस किया। नाजो बारी भी 2 साल का हुआ था तब मुझे था कि अब मुझे इसका दूध छुड़वाना है क्योंकि एक WHO रेकमेंड्स कि आप 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाओ। ऑफकोर्स नेचुरल वीनिंग की एज अप टिल 5 ईयर्स भी होती है बच्चों की, बट मुझे पर्सनली मेरा पर्सनल डिसीजन ये था कि मैं 2 साल तक पिलाऊंगी, उसके बाद मुझे अपनी स्पेस चाहिए थी। बिकॉज प्लीज़ नोट, मेरे दोनों बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड हैं, तो इसका मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी ब्रेस्ट फीडिंग में जाता है एंड आई नीडेड टाइम फॉर माई सेल्फ। सो व्हेन ही टर्न 2 ईयर्स ओल्ड तब मैंने उससे धीरे धीरे इस बारे में बात करनी शुरू की कि मम्मा का दूध धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है एंड कुछ लोग इस मेथड को ठीक मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट दिस इज़ व्हाट जो मैंने पर्सनली किया। मैंने उसको बताया कि आपने बहुत गुड बॉय की तरह मम्मा का बहुत सारा दूध पिया है एंड अब दूध धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अभी है, अभी नहीं गया है, ख़त्म हो रहा है। तो ही वॉज ओके। वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट उससे ना अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करो तो वो बहुत जल्दी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, भले कोई भी चीज़ हो। सो आई न्यू अगर मैं उससे बात करूँगी इसके बारे में तो इट विल बी ईजियर फॉर हिम। तो मैं काफ़ी स्टार्टिंग से इस बारे में, जब वो 2 ईयर्स का राउंड हुआ तब से मैंने ये बोलना शुरू किया। मुझे पता था उतनी जल्दी एकदम से 2 साल का हो गया और एकदम से मैं छुड़वा दूँगी, ऐसा मैं नहीं करूँगी। सो वॉट आई डिड डू इज कि आफ्टरनून में जब वो जनरली फीड करता था तब मैंने उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलने शुरू कर दिए कि मैंने रियलाइज़ किया वो काफ़ी बार ना दूध नहीं पी रहा होता था, सिर्फ मेरी अटेंशन चाहता था। मैं घर में बिजी हूँ किसी काम पे और उसे मम्मा चाहिए, तो उसको पता चल गया था कि अगर मैं दूध मांगूंगा तो मुझे मम्मा मिल जाएगी। तो मैंने उस टाइम जब काइंड ऑफ बच्चों का उस टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है तो मुझे पता था इस टाइम के आसपास ना ये दूध मांगने के लिए मेरे पास आएगा। तो उस टाइम से 5-10 मिनट पहले मैं कोई गेम स्टार्ट कर देती थी, कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, कोई सेंसरी गेम्स खेलने लगी उसके साथ कि वो गेम में इतना बिजी और मस्त हो जाए कि वो दूध भूल ही जाए। और एक्चुअली ऐसा हुआ एंड ये बात मुझे रीअफर्म हो गई कि वो दूध नहीं चाह रहा था उस टाइम, उस टाइम से उसे मम्मा की अटेंशन चाहिए थी। तो हम उस टाइम बुक्स पढ़ते थे, फ्लिंटो बॉक्सेस से खेलते थे, आजकल तो इंटेलिकेंट भी है फर्स्ट आई की जो काफ़ी अच्छी है, तो हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते थे बिजी रखने के लिए। उसी दौरान उससे 10-15 मिनट पहले मैं उसको कोई स्नैक दे देती थी, कोई फ्रूट दे दिया या मखाने दे दिए ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन रहे कि अगर वो असली में भूखा है तो वो कम से कम भूखा ना रहे। तो जो मुझे पता था कि उसका टाइम है, इस टाइम ये दूध मांगेगा, उसके 15 मिनट पहले मैंने उसे स्नैक दे दिया, कोई फ्रूट दे दिया, कोई मखाने दे दिए, और जब वो खा रहा होता था तब तक मैं एक्टिविटी रेडी कर रही होती थी और उसको दिखाती थी देखो अब हम ये खेलेंगे खाने के बाद एंड आफ्टर ही हैड ए स्नैक, तो हम वो खेलने लगते थे। तो ये करके जो उसके नॉन स्लीप वाले जो भी फीड्स थे वो ख़त्म हो गए। तो जब वो उसको सोना होता था, सोते टाइम उसको दूध चाहिए ही होता था, तो सोने के लिए मैं दूध उसको फिर भी कंटिन्यूसली पिलाती रही। जब नैप आफ्टरनून नैप के लिए पीना था तो पिलाती थी, रात को तो मैं पिला ही रही थी। फिर मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, रैंडमली अब नहीं मानता दूध, अब क्या करें नेक्स्ट। सो नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सोचा कि मैं अब रात के छुड़वाती हूँ दूध, जो बीच रात में दूध पीता था, सोने से पहले जिस पहले पीले कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ के पीले कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे दिक्कत आ रही थी जब वो रात में उठ के पीता था। तो मैंने उसको समझाया कि जब सूरज चढ़ जाते हैं, जब सनसेट होता है,
जाकर मम्मा का दूध भी सेट हो जाता है, वो मम्मा का दूध फिनिश हो जाता है, गुम हो जाता है। मम्मा की ना बॉडी को टाइम चाहिए दूध बनाने के लिए, सुबह जब आप उठोगे ना तो दूध आ जाएगा, अगर सूरज चाचू आ गया तो मतलब मम्मा दूध आ गया। सरप्राइजिंगली वो ये बात भी बहुत जल्दी समझ गया, उसने कहा ठीक है मम्मा। एंड आई रिमेम्बर मैंने उसे सुलाया, उसने रात भर दूध नहीं मांगा, वो आया मेरे पास लेटा सो गया, बिल्कुल भी नहीं मांगा। सुबह जब उठा तो वो भाग के ऐसे विंडो के बाहर उसने देखा, उसने कहा मम्मा सूरज चाचू आ गए, दुद्दू आ गया होगा, एंड उसने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। तो दिस वर्क परफेक्टली फॉर वन वीक। उसके बाद क्या हुआ, वन वीक के बाद आर्यवीर को बहुत हाई फीवर हुआ, एंड आई थिंक दिस वॉज ओनली द फर्स्ट द सेकेंड टाइम जब वो कभी बीमार पड़ा था। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ब्रेस्ट मिल्क इज एक्सट्रीमली गुड फॉर अ सिक बेबी। ब्रेस्ट मिल्क सारी एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया क्योंकि बीमार था, नहीं खा पा रहा था, तो मेरी सारी फीड मैंने वापस शुरू कर दी। आई वॉज लाइक यार बच्चा बीमार है, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं उससे फीड कैसे छुड़वाऊँ। तो वी वर बैक टू स्क्वायर वन। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जब वो ठीक हो गया तो दिन वाली फीड से छुड़वाना वापस ईजी था, क्योंकि स्नैक खिला दिया, एक्टिविटी कर दी, एक्टिविटी गेम्स ये सब तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, रोज मैं नए नए लाती थी उसके लिए। बट रात का क्या करें, अब तो वो समझ गया सूरज चाचू जाते हैं पर दुद्धू तो नहीं जाता। वो उसने मुझे बोला भी, मम्मा देखो सूरज चाचू नहीं है बट दुद्धू है अभी भी। हाँ बेटा मम्मा ने गड़बड़ हो गई है। तो वी वर बैक टू काइंड ऑफ स्क्वायर वन, लाइक दिन की फीड चली गई थी बट सोने वाली फीड और रात की फीड नहीं गई थी। ठीक है, फिर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करें। अब उस दौरान बीच में वो अराउंड 2.5 years के आसपास का हो गया, ये चलता रहा। मैं उसको लगातार बताती रही कि बेटा मम्मा का दूध अब कम हो रहा है, अभी है बट ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, ये स्टेटमेंट मैंने उसको कम से कम 5-6 महीने तक बोला था कि अभी मम्मा का दूध कम हो रहा है, अभी है बट हो सकता है थोड़े टाइम में चला जाए। आई वॉज मेकिंग श्योर कि वो यू नो इन हिज माइंड ही इज़ रेडी एंड ही अंडरस्टैंड कि हाँ एक दिन मुझे दूध नहीं मिलेगा। मुझे तब तक कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी पिलाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी पिलाने में, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीन ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा यू नो ट्राई नहीं किया, आई वॉज ओके विद इट। फिर 2.5 years के आसपास मैंने उसकी पॉटी ट्रेनिंग की थी, आई थिंक मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ। सो ऑलरेडी आई फेल्ट कि यार या तो मैं इसका दूध छुड़वाऊँ या मैं इसकी पॉटी ट्रेनिंग कर लूँ, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मैं कर सकती हूँ, दोनों एक साथ इसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दूँगी ना तो बेचारा छोटा सा बच्चा है। That was like potty training is much more important right now, क्योंकि वो प्ले स्कूल भी जाने लगा था। तो फिर 2.5 years के आसपास मैंने उसको पॉटी ट्रेनिंग कराई, एंड देन वेन ही वॉज 2 years and 8 months उस टाइम हमारी एक हमारे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान हो रही थी, हमारी बैंकॉक पटाया की ट्रिप, अगर आपने वो ब्लॉग्स देखे तो, अदरवाइज आई लिंक देम चेक देम आउट। तो उससे जस्ट पहले आई वॉज लाइक यार ट्रिप पे भी मुझे दूध पिलाना पड़ेगा, इट विल बी इरिटेटिंग, प्लस अगर उसको सुलाना है तो अगर हम कहीं बाहर गए तो 7:30 अराउंड सोता है आर्यवीर, अभी भी 7:30 सोता है, तो लाइक कहीं भी सुलाना है तो मैं दूध पिलाऊंगी। I was basically done, आई वॉज लाइक मुझे नहीं पिलाना अब इससे आगे, मैं नहीं कर सकती और। एंड कुछ टाइम से मैं रियलाइज़ कर रही थी कि वो जब दूध पी रहा था तो वो दूध नहीं पी रहा था, वो बस कम्फर्ट के लिए फीड कर रहा था। एंड it was like it was time for me, I just wanted to now stop, and मुझे लग नहीं रहा था कि उसको भी इतनी ज़रूरत है। सो दिन की फीड्स तो हमने बिल्कुल स्टॉप कर ही दी थी, उसने इनफैक्ट अपने दिन के नैप ही बंद कर दिया था। हाँ ये मैं बताना आपको भूल गई कि वो 2 years plus few months पे उसने दिन में सोना ही छोड़ रखा था, तो जब दिन में सोता नहीं था तो दिन में फीड चाहिए ही नहीं। तो रात की फीड्स, फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि एक दिन सुबह बोला कि आर्यवीर अब मम्मा का ना दूध आज फिनिश हो गया। तो उसने बोला मम्मा फिनिश हो गया, कहाँ फिनिश हो गया। तो पूरे दिन उसने कुछ नहीं बोला, रात को उसने मांगा, मैंने कहा बेटा मम्मा ने बताया था ना मम्मा का दूध फिनिश हो गया, आपने पूरा पी लिया, यू आर सच अ गुड बॉय, मम्मा लव्स यू सो मच। एंड
फिर वो थोड़ा रोया, बट वो जिद वाला रोना नहीं था कि मम्मा मुझे दूध चाहिए वाला रोना नहीं था, टैंट्रम्स नहीं थे। वो जो थोड़ा सा रोया था वो जैसे दुख वाला रोना होता है ना, आई नो यू बी लाइक रोली तुम्हें कैसे पता वो दुख वाला रोना था, बट मैं उसकी माँ हूँ मुझे पता है। तो वो ऐसे वो दुख वाला रोना था कि हाई मेरा दुख दुख खत्म हो गया, एंड ही वॉज ओके इन 2 मिनट्स, एंड वो सो गया। एंड आई वाज लाइक ओके, रात को भी नहीं उठा, आराम से सो गया। एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत इजी था यार, बट आई वाज रेडी। तो मैंने ये नोटिस किया है एंड बाद में भी नोटिस किया, अरेवीर को किसी भी चीज़ से एडजस्ट होने के लिए ना 3 डेज लगते हैं। तो जो सेकेंड डे था, सेकेंड डे तो भैया रो रो के मम्मा को तो चाहिए, और फिर रोए जाए। एंड मैंने किसी तरह से सुलाया, लाइक मैं बुक पढ़ा दूंगी, मैं सॉन्ग सुना दूंगी, मैं गाना गा दूंगी। तो किसी तरह तो सो गया। तो वो रात में उठा और रोए जाए, फिर मुझे याद है मेरे हस्बैंड उसको गोदी में लेके टहल टहल के सुला रहे थे, कर रहे थे। एंड हम लोग लाइक वी वर लाइक दे दें क्या, फिर वी लाइक नहीं आई कांट, लाइक मैं नहीं कर सकती। एंड फिर हमने किसी तरह वो मैनेज करके सुलाया। थर्ड नाइट आई थिंक थर्ड नाइट वो नहीं उठा था, बट सोने में दिक्कत आई थी, सुलाने में दिक्कत आई थी। जो इनिशियली फर्स्ट सुलाने में काफ़ी सारी स्टोरीज सुनानी पड़ी थी, काफ़ी सारा उसने दूध नहीं मांगा था बट उसको सुलाने में टाइम लगा था, स्टोरी सॉन्ग थपथपा के। बट उसके बाद चौथे दिन उसने नहीं मांगा, और इनफैक्ट वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर गया। चौथे दिन उसने नहीं मांगा, पांचवे दिन तो ऐसा था कि जैसे उसे याद ही नहीं कि उसने कभी दूध दिया था। बट देयर वाज वन थिंग दैट जिसके बारे में मैंने सुना था बट मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसा फील होगा, वॉज दैट आई मिस्ड इट। मुझे लगा जैसे मेरा एक एक बॉन्ड उसके साथ टूट गया है, एंड आई मिस्ड फीडिंग हिम। एंड मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं लाई डाउन के फीड करती थी, काफ़ी बार मैं फीड कराते कराते सो जाती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई फेल्ट लाइक समथिंग इज मिसिंग, बट इट टुक मी 1 वीक टू बिकम नॉर्मल एंड गेट यूज टू इट। बट हाँ, दैट इज हाउ आर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंडेड विद माई फर्स्ट बेबी। एंड मुझे लगता है दैट वॉज अ गुड एंडिंग, इट वॉज अ नॉर्मल नेचुरल एंडिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अननेचुरल वेज पे रिजॉर्ट नहीं करना पड़ा, कुछ ऐसे लगाना नहीं पड़ा ब्रेस्ट पे, या ज़बरदस्ती उसको मना नहीं करना पड़ा कि नहीं पियोगे तुम। आई फेल्ट कि हम लोग ने बहुत नेचुरली नॉर्मली ये जर्नी फिनिश की, एंड लाइक इट वॉज वेरी स्पेशल। एंड नाउ आई एम ऑन दिस जर्नी विद माई सेकेंड बेबी, एंड देखते हैं कि कब तक उसके साथ रहता है एंड मैं उसको कैसे वीन ऑफ करती हूँ। लेट्स सी। एनी वेज दैट वॉज माई जर्नी। अगर आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और एटलीस्ट टेल मी कि आप अपने बच्चे को कब तक आपने दूध पिलाया, या फिर अगर आप पिला रहे हो तो कब तक पिला रहे हो, या फिर अगर आप मदर अभी नहीं हो तो आपके क्या इंटेंशंस हैं अपने बेबी को दूध कब तक पिलाने के। एंड आई विल टॉक टू यू गाइस वेरी वेरी सून। बाय।